जीत पर कैसा लग रहा है? ठीक है भाई, अच्छा लग रहा है, बुरा क्यों लगेगा? जनता ने जो आपको जनादेश दिया है, क्या कहना चाहिए? जनता की का धन्यवाद है भाई, जनता ने हमारे को बुढ़ापे में एमएलए बना दिया, जनता का तो धन्यवाद है भाई, जनता तो सर्वोपरि है। बीजेपी के सारे दिग्गज नेता लगभग आ रहे, सारे मंत्री हार गए, मेरा ख्याल शायद कोई बने ही नहीं है, तो अब तो कहीं ना कहीं उनके काम करने में कहीं हो जाती है गलतियां, सरकार में जब होता है आदमी, एंटी इनकम्बेंसी चलती है भाई। दूसरा हमारा तो क्योंकि दुष्यंत चौटाला की पार्टी है ये भाजपा, मेरी जीत में उनका बड़ा रोल है। सर, जीत का श्रेय किसे देते हैं और कैप्टन अभिमन्यु की हार क्यों? जीत का श्रेय तो भाई जनता को देता हूँ और वैसे मेरी पार्टी को देता हूँ, दुष्यंत चौटाला और उसके परिवार को देता हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे लिए। जनता के हाथ में सत्ता की चाबी है, दो विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं या कांग्रेस के, हालांकि जो फैसला है वो सामूहिक रूप से होगा, आपका व्यक्तिगत मत क्या होगा कि जेजेपी को किसके साथ जाना चाहिए? ऐसा है, मैं कोई व्यक्तिगत मत मेरा दूंगा नहीं, क्योंकि फैसला जो है दुष्यंत चौटाला हमारी पार्टी का एक तरह से चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार भी है और बड़ा नेता भी वही है, तो जब तक हम कोई बातचीत ना कर लें और हालात सारे सामने ना आ जाएं, अभी तो सीटें डिक्लेयर नहीं हुई हैं, अभी तो अभी डिक्लेरेशन में मेरे ख्याल में 2-3 घंटे और लगेंगे, अभी फिर पिक्चर साफ होगी, उसके बाद क्या हालात बनते हैं उसके मुताबिक देखते हैं। अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि नारनौंद में बहुत विकास हुआ है, तो फिर क्यों हारे हैं? नहीं, विकास तो हुआ है भाई, कोई मैं कोई झूठ तो बोलता नहीं, विकास हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास में ही खामियां रही, हो जाता है। असल कसर का, अब असल कसर तो भाई कैप्टन साहब ने पूछा, हार गया क्यों आ रहा है? व्हाई ही हैज लॉस्ट यू आस्क हिम, ही मस्ट हैव रियलाइज्ड बाय नाउ विच वर द काजिस विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिफीट। आपने उनको हराया है? मैंने नहीं हराया, हराया जनता ने, पब्लिक ने हराया, और जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला और उसके परिवार ने हराया। मेरे तो पिछली बार लड़ा था, मेरे 34,000 में से भी 100-200 वोट कम थे, मैंने पूरी ताकत से लड़ा था आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, तो ये जीत जो है मेरी अकेले की नहीं है, इसमें उनका बहुत बड़ा रोल। प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकताएं जो लोगों के भले के लिए कर सकता हूँ, चुकूंगा नहीं भाई, किसी को झूठ बहकाऊंगा नहीं, जो कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा, करप्शन से भगवान से आखिरी उम्र है मेरी, कोसों करोड़ों मील दूर रहूँगा, अभी तक भी रहा हूँ। आप पहले बीजेपी में रहे हैं, पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, हाँ, तो बीजेपी से कुछ थोड़ी बहुत अभी भी सानुभूति? ऐसा है, बीजेपी में सारी बात करना तो अच्छी बात को नहीं, बुरी बात है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियाँ चलती हैं, हर तरह के अपने अपने उनके धंधे हैं, तो बहुत साल रहा हूँ बीजेपी में और कई चीज़ें हैं जो बीजेपी में अच्छी नहीं हैं और कुछ चीज़ें अच्छी भी है। बीजेपी ने अब तो द्वार खोल रखे थे, आपका दिल नहीं किया दोबारा जाने का? नहीं, वो तो हमारी उम्र के तो खोपर रिटायर ही कर दिए, अडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी को रिटायर कर दिया उन्होंने। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।